नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज़। सरिया डालते हैं आज की खबरों पर। कहते हैं कि व्यवसाय अगर आप हो तो उम्मीद किससे लगाएं, शासन को क्या दोष दे, चलाने वाले ही लापरवाह है। कुछ कारनामे आजकल स्वास्थ्य विभाग के भी देखने को मिले। भले ही संक्रमण फैला है लेकिन क्या कोई मरीज आएगा तो उसे डॉक्टर के द्वारा देखा नहीं जाएगा। एक बेटा बड़ी उम्मीद से अपनी मां को लेकर जिला अस्पताल आया जहां लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। शुक्रवार बाजार अमेठी के निवासी पिंटू शुक्ला अपनी मां की तबीयत खराब होने पर अमेठी अस्पताल ले गए जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। उन्हें जानकारी मिली कि रायबरेली में बड़े बड़े नेताओं ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। अपनी माँ को लेकर जिला अस्पताल पहुँचे, बेड नहीं था, जमीन पर लिटा दिया। डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि कम से कम माँ के ऑक्सीजन तो लगा दो, लेकिन किसी ने उनकी माँ को ऑक्सीजन की व्यवस्था करके नहीं दी। आखिर में उस माँ ने जमीन पर ही दम तोड़ दिया। यहाँ की यह व्यवस्था देखकर पुत्र पिंटू शुक्ला ने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह और डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ता रहा कि किसकी मदद कर दे, लेकिन बड़े बड़े दावे करने वाले जिला अस्पताल के कर्मचारी अपनी लापरवाही को उजागर कर दे ही देते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ रायबरेली के जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार। जी भैया, मेरा परिचय, मैं शुक्र बाजार अमेठी से हूँ। मेरी माता जी को सांस लेने में दिक्कत थी, शुक्र बाजार से रेफर किया गया तो हमने वो जानकारी करने का पता चला कि रायबरेली में ऑक्सीजन मिल जाएगा। आज रायबरेली जब ऑक्सीजन लेने आया तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ना ऑक्सीजन मिला ना बेड। हमने जमीन पर लेटा दिया अपनी माता जी को और उनसे डॉक्टर कहा था ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो डॉक्टर लोग कुछ कर नहीं रहे थे, अपने मशगूल थे। ऑक्सीजन की कमी से मेरी माता की ध्यान तो हुआ। डॉक्टर ने क्या बोला भैया? डॉक्टर ने बोला जो कर पा रहे हैं वही कर पाएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे।